लगे हुए हैं और इनकी जो इंटरचेंजिंग है ब्लेड्स की, फ्रंट वाले की और बैक साइड रियर वाले की, दोनों की आपस में अलग से चलता है, एक दूसरे बीच में से निकल के चलते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो अंदर की मिट्टी है वो इसको जाम नहीं करती है। जय पडलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम नॉर्मली देखें तो पराली वाले खेत में अगर जब चलाते हैं तो सिंगल शाफ्ट के ऊपर रोटावेटर के जो पराली जो है लिपट जाती है और रोटावेटर को जाम कर देती है और चलने में वो ये देखिए किसान मित्रों, अपने अंकुर भाई जी जो हैं आपको रोटावेटर चला के दिखा रहे हैं हाथ से घुमा के। ये देखो जो नीचे वाले ब्लेड हैं वो बीच वाले ब्लेडों के, ऊपर वाले ब्लेडों के बीच से निकल रहे हैं और जो ऊपर वाले ब्लेड हैं वो नीचे वाले ब्लेडों के बीच से निकल रहे हैं। इससे होगा ये जब आपके रोटावेटर पर पराली वगैरह या जैसे ज्वार का खेत है, बड़ी बड़ी घास है, जब वो लिपट जाती है तो आगे वाले ब्लेड पीछे वाली सापट के और पीछे वाले ब्लेड जो है अगले वाली सापट पर लिपटी हुई पराली को काट देते हैं, जिससे आपका रोटावेटर बिल्कुल लोड फ्री चलता है और आपका ट्रैक्टर जो है बारीक मिट्टी भी कर देता है, लोड फ्री भी चलता है, डीजल भी बचाता है। जो 25-40 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा लगाओगे रोटावेटर के अंदर नॉर्मल रोटावेटर के अपेक्षा, वो आपके मात्र 10 या 15 दिन के अंदर ही डीजल की बचत में और ट्रैक्टर लोड फ्री चलने की टूट फूट की बचत से ही आपके पूरे हो जाएंगे। अंकुर जी थोड़ा सा धीरे चलाओ ताकि वन बाई वन करके वो देख सके, थोड़ा सा धीरे चलाओ। ये देखो दोस्तों जैसे ब्लेड एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चलेंगे और ये देखे जहाँ पे ब्लेड के नट लगे हुए बिल्कुल उससे सट के जा रहे हैं ऊपर वाले और नीचे वाले। चलाओ चलाओ, बिल्कुल और आराम से, बिल्कुल दिख रहा ध्यान से। अंदर तो जो आगे का है पीछे का, इसके अंदर जो मिट्टी लगेगी वो यहाँ से, वो यहाँ से कर देगा। हाँ, और वाला निकाल देगा। हाँ, इसकी वजह से अंदर मिट्टी खड़ी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा का पूरा साइड में। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आज मैंने एग्रीकल्चर और पराली के हिसाब से सबसे बेस्ट रोटावेटर आपको दिखाया है, जिसका नाम भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए लिखा हुआ है साइड में, बुल पावर। सभी